नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई एक कोरियर को छुटाने के चक्कर में 14 लाख रुपए। जी हाँ, 14 लाख रुपए गंवाने पड़ गए। एक कोरियर को छुटाने का चार्ज पता है कितना हो गया? 14 लाख रुपए। ऐसा कौन सा कोरियर था, उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि 14 लाख रुपए छुटाने के देने पड़ रहे हैं? इसका मतलब करोड़ से ऊपर तो होगा ना, तभी बंदा इतना इन्वेस्ट करता है। आपको पता है इन चीज़ों का डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको यूरोपीय कंट्री से रिलेटेड सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। मामला इसी महीने का है, सितंबर का, ठीक है। एक हुआ क्या कि एक ट्रक ड्राइवर था साधो सिंह। जी हाँ साथियों, साधो सिंह नाम का एक बंदा था, पंजाब का ट्रक ड्राइवर था, प्राइवेट ड्राइवर जिसको बोल सकते हैं। पता है भाई सोशल मीडिया पे आजकल क्या होता है? ये माजरा मेरे साथ हो चुका है, जो ये बातें आपको बताऊंगा ना, ये घटना मेरे साथी के साथ हो चुकी है जो जोधपुर के हैं। लेकिन मुझे तो इन चीज़ों का पहले से पता था। उनसे कितना पैसा मांगा गया? मात्र 13,000 रुपये। कि आप 13,000 रुपये डाल दीजिए, आपका कोरियर बॉम्बे पड़ा है ताकि जयपुर आ जाए, जयपुर से आपके घर तक पहुंचाने का चार्ज बताया 13,000 रुपये। वो भी कहाँ से आया था? यूके से, इंग्लैंड से। ये भी मैटर है, यूके इंग्लैंड से। इनसे कोई फेसबुक पे कांटेक्ट हुआ, कोई लेडीज थी यूके की, इंग्लिश में बात कर रही थी। उन्होंने इनको बोला, फेसबुक से बात हुई तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको मुझे गरीबों को बांटना है, तो आप एक काम करिए, मैं आपको एक कोरियर भेज देती हूँ। उस कोरियर में मतलब ऐसा कुछ चीज़ बताई कि जो करोड़ों की है, आप उसको सेल करके आप गरीबों में पैसा बांट दीजिए। हर बार बोलता हूँ मैं, लालच बुरी बला लालच होती है। ये पूरी सोचने की बात है, 14 लाख रुपए यार कम नहीं होते, लालची तो है। एक ट्रक ड्राइवर साधारण सा आदमी को वो करोड़ों रुपए की चीज़ भेज रही है, उसके बदले में इसने 14 लाख रुपए ठगा लिए। ये गलती उसकी नहीं है, उसका प्रोफेशन है ठगना, लेकिन ठगवाना क्या अपना प्रोफेशन है? हम तो लालच में मरते हैं ना। इस बंदे ने, बता दूं, बॉम्बे से फिर उनके पास कॉल आया कि आप 45,000 रुपये अकाउंट में डालिए ताकि हम आपको कोरियर पहुंचा दें। उस बंदे ने 45,000 रुपये डाल दिए। फिर अलग अलग तरीके से, अलग अलग बहाने से उससे 14 लाख रुपये अकाउंट में डलवाएं। इसका मतलब बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि पूरा पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हुआ है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इसका मतलब बात तो सही है। मुँह से तो बोल दूँ मैंने 25 लाख दे दिए, क्या सबूत है भाई? अकाउंट में डालें तो स्लिप मिलेगी। तो इस बंदे ने 14 लाख रुपये ठगवा लिए। ठगवाने के बाद धीरे धीरे उसको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, कॉन्टेक्ट कहाँ हो रहा था? सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। आजकल पता सबसे एक घटिया चीज़ क्या है? व्हाट्सअप कॉलिंग। व्हाट्सअप कॉलिंग में कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं, वॉइस रिकॉर्ड का तो हालांकि वैल्यू नहीं होती, ठीक है, कोई नंबर नहीं जाता। आप इंडिया में बैठे अमेरिका के व्हाट्सअप नंबर से आप इंडिया में किसी लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और ख़ास तौर से जो धोखाधड़ी करते हैं वो ऐसे ही सिस्टम से काम करते हैं। तो इस बंदे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया, तब जाके उसकी आँखें हैं, इतने दिन तो बंद थी, फिर ऐसे खुल गई, चोरी ज़्यादा हो गई। फिर 14 लाख गए। ड्राइवर कैपेसिटी कितनी होती है एक प्राइवेट ड्राइवर की? 7-8-10 हज़ार की नौकरी करने वाला, 14 लाख अकाउंट में तो इसके थे नहीं, घर पे थे नहीं, किसी से कर्जा लिया होगा, जमीन बेची होगी, कुछ तो किया होगा। ये बंदा 14 लाख खाते में डलवाता गया। 48,000 से शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब इससे कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख ऐसे मांगे तो कम से कम 15 से 20 बार इसने पैसे खाते में डाले हैं। मूर्ख इंसान इतना नहीं समझ पाया कि एक कोरियर को लेने के लिए इतना पैसा लगता है क्या? लेकिन इस बंदे ने किसी को बात नहीं बताई कि अगर किसी को बता देंगे तो हमें करोड़ों का नुकसान है, वो हो जाएगा, इससे तो बढ़िया कि ये देते रहें। ऐसे लोग ज़्यादा ठगवाते। मेरे पास भी ऐसे लोगों की कॉल आते हैं, वो बहुत ज़्यादा श्याणा समझते हैं अपने आप को, जबकि साफ साफ पता लग रहा है कि इसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एजेंट के द्वारा, लेकिन वो अपनी शानपति दिखाए बिना नहीं रह सकते। सेम ये भी हुई है, ये बंदा 14 लाख दे रहा था, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से राय नहीं ले सकता था कि इस तरह से मेरा कोरियर आया हुआ है, मेरे पास ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे। जोधपुर वाला मेरा जो दोस्त, उसको मान सकते हैं, काफ़ी टाइम से वो लिंक में है, मेरे से मिल भी चुका है। उसके पास जैसे ही उसको जैसे ही बोला कि हम आपको इंग्लैंड से कोरियर भेज रहे हैं, तो उसने संपर्क कर लिया कि सर 20 तारीख का मुझे बोला है कोरियर की, 20 तारीख को आपको कोरियर मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो मैं बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसमें ये बोला होगा आपके लिए बढ़िया लैपटॉप भेज रहे हैं, आपके लिए ये रोलेक्स की घड़ी भेज रहा हूँ, आपके लिए 5-10 लाख का ये इसमें सामान भेज रहा हूँ, बदले में आपको करना क्या, कोरियर का चार्ज देना है। तो बंदा खुश हो जाता है। मैंने उसको पहले आगाह कर दिया, मैं बोला छवनी मत देना, उसके पास तो कोरियर की प्लेन से उतारते हुए फोटो भी आ गई थी कि ये देखो प्लेन से कोरियर उतार रहे हैं, जबकि उसके ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो डब्बा था ना उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बोला एक चवनी मत देना भाई, फर्जी है ये। और लास्ट में वही हुआ, फर्जी था। मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है कोरियर को बोलो ना ऑन डिलीवरी देंगे हम आपको पैसा। कहाँ ऑन डिलीवरी थी भाई, क्या था? वो तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। इस बेवकूफ़ इंसान को 14 लाख ठगा के बैठ गए, आराम से जमीन बेचो, कुछ भी बेचो, 14 लाख वो तो चुकेंगे ना। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस जाँच करेगी, क्या कर लेगी पुलिस?
कुछ नहीं होने वाला, पूरा इंटरनेशनल गेम होता है। जो लोग ऐसा फर्जी का काम करते हैं ना, वो अकाउंट वगैरह सब फर्जी रखते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस ये जानकारी आप लोगों को बतानी थी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। फेसबुक आजकल सबसे बड़ा ठगी का जरिया बन रहा है, कैसे भी करके आपसे दोस्ती हो जाती है, मीठी मीठी बातें करती हैं, हम आपको विदेश से ये भेज रहे हैं, आप कोरियर पैसा दे के कोरियर छुटा लेना, इसी के नाम से ठगी हो जाती है। बस शॉर्ट में समझ सकते हैं, इन चीज़ों से बचें, औरों को भी बचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।